अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लास्ट टॉपिक। सो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले उसकी डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में, बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये समझा जाता था कि सेल जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि सेल के अंदर एक डीपली स्टेन बॉडी मौजूद है विद इन सेल, कि सेल में कोई ऐसी बॉडी है जो कि कलरफुल है। जब उसके हम स्टेनिंग करते हैं, उसके ऊपर कोई डाई डाल के देखते हैं, कलर डाल के देखते हैं जो लैब में यूज होता है, तो सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ऐसी बॉडी मौजूद है जो कि बाकी से डिफरेंट नजर आती है, साइटोप्लाज्म से हमें डिफरेंट नजर आती है। ये 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये चीज बताई कि सेल के अंदर ये जो डीपली स्टेन बॉडी है, कलर्ड बॉडी है, इसको हम नाम देते होते हैं न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस, मरकजा, जिसका मतलब होता है सेंटर। ठीक है। सो इन दिस वे जो पहले थ्योरी थी कि सेल एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है, वो थ्योरी जो है वो रिजेक्ट होगी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये एम्प्टी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक डीपली स्टेन बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। उसके बाद नंबर सेकंड, लोकेशन। दूसरा पॉइंट है इसकी लोकेशन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल के सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के, इन केस ऑफ प्लांट सेल, ये पेरिफेरल पार्ट में होता है। पेरिफेरल मीन्स साइड, पेरिफेरल पार्ट में मौजूद होता है। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज वैक्यूल, ड्यू टू लार्ज साइज्ड वैक्यूल, साइड पे वो पुश हो जाता है। हमने न्यूक्लियस वाला जब टॉपिक, वैक्यूल वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि अगर ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, उसको हम अगर हम देखते हैं, तो उसके बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट में हमें मेन बॉडी नजर आती है वो वैक्यूल है, और उसके साइड पे ये वाला जो स्ट्रक्चर पुश हो जाता है, दिस स्ट्रक्चर ड्यू टू लार्ज साइज वैक्यूल इज पुश्ड एट पेरिफेरल पार्ट, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड दिस पार्ट जो जिसके अंदर वाटर है, उसको हम नाम देते होते हैं वैक्यूल। ये हमने प्लांट सेल के अंदर पढ़ा हुआ है। ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद इसकी शेप, अगर हम इसकी शेप देखते हैं, इट मे बी रेगुलर, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर राउंड होगा, रेगुलर, और मे बी इरेगुलर शेप। प्रॉपर शेप भी होती है और इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज इनके अंदर मौजूद है। उसके बाद नंबर सेकंड, थर्ड जो पॉइंट है वो है इसका नंबर। नंबर कितने होते हैं ये सेल के अंदर, नंबर। सो सेल में भी, सेल में कंटेन मोस्टली वन ही है, सेल में कंटेन वन न्यूक्लियस इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस कॉल्ड, उन सेल्स को हम क्या नाम देते होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट सेल। मोनोन्यूक्लिएट सेल्स, मोनोन्यूक्लिएट सेल से मुराद एक सेल वाले, जो एक न्यूक्लियस वाले जो सेल है। मोस्ट ऑफ दी जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, ये आपके मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। मोनोन्यूक्लिएट का मतलब जिसमें जस्ट वन न्यूक्लियस होता है, मोनोन्यूक्लिएट सेल। ठीक है, नंबर वन। उसके बाद नंबर सेकंड, सेल में भी बाई न्यूक्लिएट, अगर टू उसके अंदर न्यूक्लिया ही होते हैं,
अगर उसमें टू न्यूक्लियाई हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, बाई न्यूक्लिएट, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। ये हमारे मसल सेल्स, इसी तरह जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं जो बाई न्यूक्लिएट की तरह काम करते हैं। उसके बाद जो नंबर थर्ड पे पॉइंट आता है वो है मल्टी न्यूक्लिएट या पोली न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि अगर किसी सेल के अंदर मैनी न्यूक्लियाई है, मैनी न्यूक्लिया यानी कि काफी ज्यादा न्यूक्लियस है, तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। ये फंजाई इसकी एग्जांपल है, फंजाई के अंदर जो है वो मल्टी न्यूक्लियाई जो वो सेल मौजूद हो सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि उनकी बॉडी हाइफी पे मुश्तमिल होती है और हर हाइफी के अंदर जो है वो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस है वो मौजूद होता है, सो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स की टाइप कहेंगे। ये आप इसके नंबर के अंदर लिखेंगे। उसके बाद इसकी कंपोजिशन, जो नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे वो आएगा इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन में देखें तो इसके दो पार्ट्स हमें नजर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कौन से हैं, नंबर वन क्रोमैटिन बॉडी, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन बॉडी एक ही चीज है, एंड नंबर सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल के अंदर, लेकिन अभी मैं क्रोमैटिन और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं। सो एक वर्ड होता है क्रोमैटिन बॉडीज, क्रोमैटिन, और एक वर्ड होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। दोनों एक्चुअली एक ही चीज के नाम है, क्रोमैटिन भी वही है क्रोमोसोम भी वही है। ठीक है, ये जो है वो ये भी स्टेंड है, ये भी डीएनए प्लस प्रोटीन है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, क्रोमोसोम भी किस चीज से मिलके बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। सिर्फ फर्क यह है कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा, उसका जो न्यूक्लियस है वो यहां पर है और ये जो है वो सेल है जिसने अब डिवाइड होना है। ठीक है, ये कौन सा सेल है, नॉन डिवाइडिंग, दिस इज नॉन डिवाइडिंग सेल, और ये कौन सा सेल है, दिस इज डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल है। तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें ये हमें सेंटर में जो फाइबरस नेटवर्क नजर आते हैं, ऐसे कुछ भी जो कि नजर भी नहीं आ रहा होता, बिल्कुल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमें क्रोमैटिन जो सेल में जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स हैं, डीएनए है, वो हमें नजर नहीं आ रहे होते, सिर्फ थोड़ा बहुत जब स्टेन डालते हैं तो विजिबल होते हैं और क्लियर नहीं होते, उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का, जो क्रोमोसोम नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमें नजर आ रहे हैं और वो जस्ट हमें बिल्कुल वेरी थिन फाइबर्स नजर आ रहे होते हैं, दैट इज जस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो नजर नहीं आते नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जैसे ही डिवाइड सेल होता है तो इनमें डेफिनेटली जिस तरह हम रस्सी लपेट देते हैं वो मोटी हो जाती है, इसी तरह हमें जो क्रोमोसोम है जब डिवाइडिंग स्टेज पे सेल होता है, जो डिटेल हम आगे जाके बताते हैं ये क्या है, तो हमें ये ऐसे बिल्कुल विजिबल हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन ये एक ही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है क्रोमैटिन नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे जो मटीरियल होता है डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उसको कहते हैं, जब सेल डिवाइड होता है तो उनमें फोल्डिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, तो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि क्रोमोसोम कलर चूसने वाली बॉडी को कहते हैं, जब हम इसके ऊपर कलर डालते हैं लैब्स के अंदर तो फिर हमें क्रोमोसोम जो कलर्ड बॉडीज नजर आती है उसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं। ये इन दोनों का पॉइंट है और कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके देखेंगे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके बेसिक्स पार्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं, नंबर वन न्यूक्लियर एनवेलप,
अगेन आपको मैंने बताया था नंबर सेकंड न्यूक्लियोलस एंड नंबर थर्ड न्यूक्लियोलस के बाद नंबर थर्ड इज क्रोमाटिन या फिर हम उसको क्या बोलते होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म भी आप लिख सकते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर फ्लूइड है वो भी हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप हम डिस्कस करेंगे। सो ये डबल, जहां भी एनवेलप है वो डबल मेम्ब्रेन पर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन ये जो कवर किया होता है, सराउंड किया होता है जो पार्ट है उसको, जो सेपरेट करता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियर कंटेंट को, न्यूक्लियर कंटेंट्स को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से जैड सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म, उसको उस बाउंड्री को हम क्या नाम देते होते हैं जी, न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद जो यहां पर हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक्चुअली ये है क्या, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक्चुअली बात ये बता रहा है कि दिस इज सेल एंड दिस इज सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं, और ये इसका जो फ्लूइड है जिसने इनक्लोज्ड किया होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देते होते हैं, न्यूक्लियो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप। जो इंटरनल मटेरियल है उसको हम नाम देते होते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म। जो यहां पर फ्लूइड होता है उसको हम नाम क्या देते होते हैं, साइटो प्लाज्म। इसको हम नाम क्या देते होते हैं, साइटोप्लाज्म। सो ये भी हमने पढ़ा है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, जो अंदर मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म है, दैट कंटेन क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद जो बाहर वाला पार्ट है इसका, जो मेम्ब्रेन का आपको समझाया हुआ है, यहां पर सारी कौन सी बॉडीज होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिसने इसको सबको सराउंड किया होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन का है दैट इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इनर वाला पार्ट है दैट इज कंटिन्यूस विद न्यूक्लियर कंटेंट, यानी कि बाहर सारे जो है वो क्या होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इंटीरियर साइड पे वो न्यूक्लियर कंटेंट है। सो इन दिस वे ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये आपका क्या करता है, न्यूक्लियस के मटीरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखता है, दोनों को मिक्स नहीं होने देता। उसके बाद न्यूक्लियर पोर इसी का ही पार्ट है, न्यूक्लियर पोर्स। ये जो न्यूक्लियर पोर्स है जहां पे भी दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिलती हैं, मैं न्यूक्लियस ही सिर्फ बना रहा हूं, मसलन ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये 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 इनर मेम्ब्रेन मैंने बना दी, जहां पे भी दोनों आपस में जुड़ेंगी ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, यू हैव अंडरस्टैंड। ये डबल इनवेलप मैंने बनाया है किस चीज का, ये मैंने इनवेलप बनाया है न्यूक्लियस का, जहां पे भी दोनों मेम्ब्रेन आपस में इंटीग्रेट होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, जहां पे भी दोनों आपस में जुड़ेंगी वहां पर एक पोर बन जाएगा, ये वेयर द टू मेम्ब्रेन इंटीग्रेट, जहां पे भी दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिलेंगी वहां पे एक पोर बन जाते हैं, उस पोर को हम नाम देते होते हैं, ये मैंने सेल नहीं बनाया, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया उसकी डबल मेम्ब्रेन, वेयर द मेम्ब्रेन मीट टू अदर मेम्ब्रेन, उसको हम नाम देते होते हैं उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स, उसको हम न्यूक्लियर पोर का नाम देते होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स है। व्हाट इज द फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है, न्यूक्लियर पोर्स का अगर हम फंक्शन देखें, ये क्या करता है, जो भी चीज आएगी या सेल में से न्यूक्लियस में आएगी
या उसने जो है वो बाहर जाना है, राइबोसोम बनते हैं, मैसेंजर आरएनए बनता है, उन्होंने साइटोप्लाज्म में आना है, या न्यूक्लियस बाहर सेल से कोई चीज है उसने न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना है, तो इट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। सो इसका फंक्शन क्या हुआ, कंट्रोल, इट कंट्रोल ट्रैफिक ऑफ, क्या करता है जी, इट कंट्रोल ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस, ये ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के दरमियान में जो भी चीज है वो इसमें से, क्योंकि इसकी डेफिनेट शेप होती है, परफेक्ट शेप, जिसके नतीजे में मटेरियल आ भी सकती है और उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल अंदर जो है वो बाहर भी जा सकती है। सो इन दिस वे इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउटसाइड ऑफ द सेल और इसी तरह इनसाइड ऑफ द सेल, ये कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियर पोर्स है, इसका जो नंबर है, न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है वो भी वेरी करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे, इसका नंबर, नेक्स्ट पॉइंट इज इसका नंबर कितने होते हैं न्यूक्लियर पोर्स के। नंबर के लिहाज से देखें तो दो किस्म के सेल हैं, अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड सेल, नॉन फंक्शनल सेल। जिस तरह एग है, एग भी कोई, उसका कोई फंक्शन नहीं है, उससे चिक बनेगा तो वो फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा चाहिए क्योंकि उसने चिक में डेवेल्प होना है, इस वजह से उनकी जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है वो ज्यादा होनी चाहिए। डेट्स वाई उसके अंदर, एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 पोर्स होते हैं, 30,000 पर सेल एग के अंदर। क्यों? अनडिफरेंशिएटेड है, अभी उसने फंक्शनल होना है, ठीक है, इस वजह से उनमें नंबर ऑफ पोर्स ज्यादा होते हैं। जो दूसरा सेल है डेट इज डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल में रेड ब्लड सेल की एग्जांपल उसने दी हुई है, रिथ्रोसाइट्स लिखा होगा ब्रैकेट में, रिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल एक कॉमन एग्जांपल दी है, उसमें जस्ट 3-4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 3000, और इसमें जस्ट 3 और पोर्स, जिस तरह मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह इसमें 3 और 4 पोर्स है। क्यों कम है? क्योंकि वो मेच्योर हो चुका है और उसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कम चाहिए, डेट्स वाई उसमें नंबर ऑफ जो पोर्स है वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। सो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास टॉपिक, वो आएगा इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद सेकंड पोर्शन हमारा आएगा न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस क्या है, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है, डीपली डार्क न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कंटेन डीपली स्टेन बॉडी, कंटेंट डीपली और डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन, और ये क्या हो सकते हैं, वन भी, ज्यादातर वन होते हैं, टू भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियाई, उस स्ट्रक्चर को जो कि डीपली स्टेन्ड है, दिस इज न्यूक्लियस, ये मैंने एनवेलप भी बनाया हो ना, उसके अंदर जो हमें डीपली स्टेन बॉडी नजर आती है न्यूक्लियस के सेंटर में, दिस इज न्यूक्लियस, उसके अंदर जो हमें डीपली स्टेन बॉडी नजर आती है उसको नाम हम देते होते हैं, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, एक को न्यूक्लियोलस कहते हैं, दिस इज न्यूक्लियस और अंदर ये न्यूक्लियर पोर्स और ये न्यूक्लियोलस है। अब इसके क्या कंपोजिशन है, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं न्यूक्लियोलस की, तो इसके दो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं, इसकी कंपोजिशन देखें तो पार्ट्स पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट है और एक सेंट्रल, ये एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पेरिफेरल पार्ट इसका ग्रैनुलर होता है, पेरिफेरल पार्ट इसका क्या होता है, ग्रैनुलर, दानेदार,
और जो आउट सेंट्रल पार्ट है वो फिब्रल होता है. दिस इज टू एमसीक्यूज, पेरिफेरल ग्रैनुलर और सेंट्रल पार्ट फिब्रल होता है. ग्रैनुलर पार्ट जो है ये सब यूनिट्स बनाता है राइबोसोम्स के. क्या बनाता है? राइबोसोम्स के यूनिट्स. जो सब यूनिट्स हमने पढ़े थे राइबोसोम के टॉपिक में 50S और 50S और 30S एंड 60 एंड 40, वो सब यूनिट्स एक्चुअली राइबोसोम. मैंने बताया था फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस. वो पेरिफेरल पार्ट बना रहा होता है लार्ज यूनिट्स को और स्मॉल यूनिट्स को, अगर आपको राइबोसोम आपने पढ़ाया तो. जो सेंट्रल पार्ट फिब्रल है इसमें राइबोसोमल डीएनए होता है और प्लस इसमें लार्जर वेयर जो है वो डीएनए का और आरएनए का मौजूद होता है सेंट्रल पार्ट. तो ये एक एक्चुअली गुच्छा है जिस तरह बांध नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है. लेट्स सपोज ये फाइबर ही मैंने बनाए हुए हैं, इसके ऊपर जो है ये सेंट्रल पार्ट है, इसके ऊपर सारे जो है वो ऐसे ग्रैनुलर पार्ट जो है वो ऊपर लगे होते हैं. सेंटर में फाइबर पैक हो जाते हैं और इसी तरह जो है वो ऊपर जो है वो क्या लगे होते हैं, दाने से बने होते हैं. वो एक्चुअली क्या है, ग्रैनुलर पार्ट में वो राइबोसोमल यूनिट्स जो है वो बनाने का पार्ट है. ठीक है, ये दो पार्ट है न्यूक्लियोलस के. उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, वो है क्रोमोसोम्स. लास्ट पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम, ठीक है, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इसकी डेफिनेशन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट पेयर, मैंने शुरू में बताया था, डेट पेयर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल ने डिवाइड होता है अदरवाइज नहीं नजर आते, ड्यूरिंग सेल डिवीजन उनको हम क्या बोलते होते हैं, क्रोमोसोम्स. और एक्चुअली जो हम कहते हैं कि क्रोमो न्यूक्लियस हमें स्टेन्ड बॉडी नजर आती है, वो रंग नजर आता है, वो क्रोमोसोम की वजह से नजर आता है. क्योंकि इसी को वर्ड से दो मतलब है, क्रोमो और सोम, ये दो वर्ड है. और क्रोम का मतलब लास्ट लेक्चर में भी बताया था कलरफुल कलर्ड, और सोमा का मतलब होता है बॉडी. सो इट मीन कलर्ड बॉडीज. क्यों कलर्ड? जब हम उसके ऊपर स्टेन डालते हैं, डाई डालते हैं, तो हमें ये कलर्ड बॉडी नजर आती है. और कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर है. उन कलर्ड बॉडी की वजह से ही हमें जो है वो क्रोमोसोम की कलरफुल जो एबिलिटी है कि वो कलर को जजब कर सकते हैं, उसकी वजह से ही हमें ये आपका जो ये न्यूक्लियस है वो स्टेन नजर आता है, कि कलरफुल बॉडी नजर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम. और इसी वजह से, क्योंकि ये रंग ज्यादा जजब करते हैं जब फोल्ड होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम कहते हैं जब नजर आए. जब नहीं नजर आते, ये ओपन कॉन्फ़िगरेशन में फिर रहे होते हैं लाइक दीज फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स वो नजर नहीं आ रहे होते. एक्चुअली ये भी क्रोमाटिन है, लेकिन नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमाटिन, जब डिवाइडिंग स्टेज आता है तो क्रोमोसोम. सो अब ये किस चीज से बने हुए हैं? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर कि ये अगर हम इसकी कंपोजिशन को चेक करते हैं क्रोमोसोम की, तो दे आर मेड अप ऑफ इक्वल DNA and protein. They are the complex of DNA and proteins. ये DNA से बना हुआ है और प्रोटीन से बना हुआ है. सो अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसे है? जब हम डिवाइडिंग स्टेज में से ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे नजर आएगी. स्ट्रक्चर में इसके दो पार्ट्स होते हैं जी, एक सेंट्रोमेयर एंड नंबर टू क्रोमैटिड्स. दीज आर द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम. ये क्या है क्रोमैटिड्स? ये एक एडहेसिव सब्सटेंस होती है, चिपचिपाहट वाली. ये स्पेशल प्रोटीन और स्पेशल डीएनए से बनी होती है. स्पेशल प्रोटीन है और स्पेशल डीएनए होता है इस डार्क स्टेन बॉडी में. और इसके साथ अटैच होते हैं क्रोमैटिड्स. क्या अटैच होते हैं डीएनए के क्रोमैटिड्स? एक ऐसे,
ये। और इसी तरह ये दूसरा, दीज आर दी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये जो है वो दो पार्ट है जो मेन है, एक क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड सॉरी सेंट्रोमेयर, दिस इज सेंट्रो मेयर, सेंट्रोमेयर द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमैटिड्स। इन दोनों आर्म्स को क्या कहते होते हैं, क्रोमैटिड्स, आर्म्स भी बोलते होते हैं इनको, हम क्या नाम देते होते हैं जी आर्म्स को, क्रोमैटिड्स। दीज आर दी टू क्रोमैटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह देते हैं, और क्रोमैटिड्स को जो मटेरियल जोड़ता है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। सो वन क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवाइडिंग स्टेज सेंट्रोमेयर होता है और उसके साथ दो क्रोमैटिड्स होते हैं। सेंट्रोमेयर में जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के साथ, स्पिंडल फाइबर अटैच करने में हेल्प करता है जो सेल इक्वली इसको डिवाइड करता है। क्रोमोसोम ऐसे भी ड्रा कर लेते होते हैं जब रेप्लिकेशन की फॉर्म में होती है, और क्रोमाटिन की फॉर्म में भी ड्रॉ कर लेते होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स एंड वन सेंट्रोमेयर, और एक्चुअली दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन है, ये जो मैंने कंडेंस फॉर्म दिखाई है। उसके बाद इसका नंबर, नंबर डेफिनेटली स्पीशीज पे डिपेंड करता है, जो स्पीशीज है उसी पे जो है वो डिपेंडेंट ये होते हैं। लाइक अगर हम मेज की बात करें, हमने पढ़ा है तो उसमें 20 क्रोमोसोम थे, यानी कि डिप्लाइड नंबर जो उसका था, डिप्लाइड नंबर बात कर रहा हूं, डेट इज 20। इसी तरह अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 46 डिप्लाइड नंबर, यानी कि 2n 46। इसी तरह हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर 26 2n नंबर कितना होता है, 2n नंबर इनके बॉडी सेल्स, ये मैं बताता हूं 2n और 1n, 2n उसका कितना होता है 26। और अगर पी प्लांट की बात करें तो उसका 2n नंबर हमारे पास होता है 14। इसी तरह चिंपैंजी का भी लिखा होगा 48, ऑनियन का भी लिखा होगा, वो आप देख लीजिएगा। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। फुल बॉडी सेट जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये मैंने लिखा है सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, कौन सा क्रोमोसोम लिखा है, सोमेटिक सेल्स का, सोमेटिक सेल्स का क्रोमोसोम नंबर लिखा है। सोमेटिक सेल वो होते हैं जो डिप्लॉइड हो, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स को, और क्या बना रहे हैं, बॉडी फॉर्मेशन, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड सेल, और हैव, इनमें क्या होता है, हैव फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट बाय 2n, 2n मैंने सारों में 2n लिखा है, इसको रिप्रेजेंट बाय 2n। सो डिप्लॉइड सेल की डेफिनेशन आ जाए या सोमेटिक सेल की, सिर्फ इसको इधर ले जाए, सोमेटिक को नीचे ले आए, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इनकी जो बॉडी को हमारे सेल बनाते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और उन्हीं सेल्स को सोमेटिक सेल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर को, गैमेटिक सेल को देखें, जो गैमेट्स हैं स्पर्म और एग, उसमें देखें ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो फीमेल एग है उसमें 23 क्रोमोसोम, और जो स्पर्म है उसमें भी 23 क्रोमोसोम। जब ये मिलेंगे तो जो सेल है उसमें पूरे हो जाएंगे क्रोमोसोम 46 बच्चे में। तो इन सेल्स को जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, हाफ हैव हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर वन, नंबर टू प्ले रोल इन गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, और रिप्रेजेंटेड बाय एन
किससे रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों को, किससे रिप्रेजेंट करेंगे एन और एन। सो अगर आपको ये कहे कि हेप्लॉइड सेल में इनको हाफ से हेप्लॉइड, इनको हेप्लॉइड सेल भी कह देते हैं, आपको सोमेटिक और जो गैमेटिक का डिफरेंस आ जाए या आपको डिप्लॉइड या हेप्लॉइड का डिफरेंस आ जाए, तो यही पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे कि जो गमेट होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जबकि जो नॉर्मल बॉडी सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर पूरा होता है। हाफ क्यों होता है गमेट में, ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन उनसे बने मेल और फीमेल से, उनमें क्रोमोसोम नंबर दोबारा से डबल होके उतना ही हो जाए जितना एक स्पीशीज के अंदर रन कर रहा है। सो इसका जो डेफिनेटली जो आपके क्रोमोसोम है, दे आर हैव जीन्स, इनके पास जीन होते हैं जो तमाम करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं वो भी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जाती हैं, क्योंकि उनमें जीन होते हैं और जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, वो इंफॉर्मेशन बच्चों में जाती हैं, तो वैसे करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ये इनका रोल है। अब लास्ट में इसको ड्रॉ कैसे करेंगे आप, न्यूक्लियस को सारा पढ़ लिया है, आपको कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं। सो वेरी सिंपल, आप एक सर्कल वैसे लगाएंगे, एक स्क्वायर स्फेरिकल टाइप सर्कल लगा लिया, उसके बाद आपने उसके दो हाफ ऐसे और ऐसे कर लिए, ठीक है। सेंटर में लाइन लगानी है तो लगा ले, नहीं लगानी तो ना लगाए, यानी कि मैं कट करके दिखा रहा हूं, इसका ये मतलब है। और उसमें आपने डार्क स्टेन बॉडी को बना देना है, ये ऐसे, क्रोमोसोम अंदर बनाना चाहे तब भी सही है, नहीं बनाना चाहे तब भी सही है, ये आप डार्क स्टेन बॉडी को मेंशन कर रहे हैं। और अंदर दूसरी चीज कौन सी चीज होती है, ऐसे मेंशन कर दें, सो वो परफेक्ट हो जाता है। दीज आर डार्क स्टेन बॉडीज जिनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। और इस पूरे के ऊपर जो नंबर ऑफ, ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर्स है, इसको बाहर लेबल कर दें कि दिस इज इनवेलप, जिनके डबल मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहां पे जो फ्लूइड होगा, जो यहां पर फ्लूइड मौजूद होगा बिटवीन दी सेल्स, जो यहां पे फ्लूइड है इस जगह पे मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, डेट कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमाटिड, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, क्रोमोसोम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस सिर्फ आप डिवाइडिंग सेल में नहीं देख सकते, जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसी में न्यूक्लियस को देख सकते हैं, क्योंकि नॉन डिवाइडिंग सेल में वो फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि डिवाइडिंग स्टेज में वो डिवाइड कर रहा होता है, तो पहले ये रप्चर हो जाती है, न्यूक्लियर इनवेलप। सो ये आपका न्यूक्लियस वाला टॉपिक अपने एक ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।